राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। द्रौपदी मुर्मू के जयपुर दौरे के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। अब 13 जुलाई को जयपुर आएंगी द्रौपदी मुर्मू। मुर्मू का पहले 12 जुलाई को आने का था कार्यक्रम। माउंट आबू में 10 से 12 जुलाई तक बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम, इसी वजह से एक दिन आगे खिसका है मुर्मू का दौरा। समर्थन के लिए जयपुर आ रही है द्रौपदी मुर्मू। समर्थन के लिए विधायकों सांसदों से मिलकर लौटेंगी उसी दिन। स्पेशल वेलकम के लिए राजस्थान बीजेपी कर रही है तैयारियां। स्टेट एसटी विंग से लेकर आदिवासी विधायक करेंगे जोर शोर से स्वागत। पार्टी आदिवासी वोट बैंक साधने के लिए देगी सियासी संदेश, तो पार्टी की ओर से सियासी संदेश भी दिया जाएगा। सियासी मैसेज देने की कोशिश और कवायद भी यहां पर रहेगी। तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर है। द्रौपदी मुर्मू के जयपुर दौरे के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। अब 13 जुलाई को जयपुर आएंगी द्रौपदी मुर्मू। मुर्मू का पहले 12 जुलाई को जयपुर आने का कार्यक्रम था, लेकिन माउंट आबू में 10 से 12 जुलाई तक बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम है, इसी वजह से एक दिन आगे खिसका है मुर्मू का दौरा। समर्थन के लिए जयपुर आ रही है द्रौपदी मुर्मू। समर्थन के लिए विधायकों और सांसदों से मिलकर वो उसी दिन वापस लौट जाएंगे। स्पेशल वेलकम के लिए राजस्थान बीजेपी तैयारियां कर रही है। स्टेट एसटी विंग से लेकर आदिवासी विधायक करेंगे जोर शोर से उनका स्वागत। पार्टी आदिवासी वोट बैंक साधने के लिए देगी सियासी संदेश। भारत बनाम इंग्लैंड T20 सीरीज, बर्मिंघम में आज खेला जाएगा सीरीज का दूसरा मुकाबला। आज जीतने पर सीरीज पर कब्जा करेगा भारत। कोहली, पंत, बुमराह, अय्यर, जडेजा की वापसी से सेलेक्टर्स की बड़ी मुश्किलें, क्योंकि हुड्डा, सूर्यकुमार, अर्शदीप जैसे युवाओं ने दिखाई पॉजिटिव अप्रोच। ऐसे में सीनियर खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में चुनना चुनौती। हार्दिक पांड्या के खेल ने कम कर दी टीम इंडिया की चिंता। तो हालांकि भारत को आक्रामक इंग्लैंड टीम से रहना होगा सतर्क। जोस बटलर, लिविंगस्टोन, जेसन राय, मोइन, सैम करेन जैसे मैच विनर्स। तो ऐसे में ये मुकाबला अपने आप में बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि 1-0 के साथ भारत ने बढ़त बनाई हुई है भारत बनाम इंग्लैंड T20 सीरीज में। और आज के मुकाबले में अगर भारत की जीत होती है तो एक तरफा जीत आप इसे कह सकते हैं। तो वहीं बर्मिंघम में आज खेला जाएगा सीरीज का दूसरा मुकाबला। आज जीतने पर सीरीज पर कब्जा करेगा भारत। कोहली, पंत, बुमराह, अय्यर, जडेजा की वापसी से सेलेक्टर्स की मुश्किलें बढ़ी हैं, क्योंकि हुड्डा, सूर्यकुमार, अर्शदीप जैसे युवाओं ने दिखाई है पॉजिटिव अप्रोच। ऐसे में सीनियर खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में चुनना चुनौती। हार्दिक पांड्या के खेल ने कम कर दी है टीम इंडिया की चिंता, क्योंकि जिस तरीके से पिछला मुकाबला हुआ उस दौरान हार्दिक पांड्या की अगर हम बात करें तो उन्होंने पहले बल्लेबाजी में कमाल किया तो फिर गेंदबाजी में भी उन्होंने कमाल किया। तो ऐसे में उनकी भी एक पॉजिटिव अप्रोच यहां पर बढ़ी है। हालांकि भारत को आक्रामक इंग्लैंड टीम से रहना होगा सतर्क। जोस बटलर, लिविंगस्टोन, जेसन रॉय, मोइन, सैम करेन जैसे मैच विनर्स। मुंबई में विकास बनाम पर्यावरण। मुंबई में मेट्रो कारशेड का निर्माण फिर चर्चा में है। शिंदे सरकार आरे कॉलोनी के भीतर ही बनाएगी कारशेड, जबकि पूर्ववर्ती उद्धव सरकार ने बदला था प्रोजेक्ट। आरे मेट्रो प्रोजेक्ट में पेड़ों की कटाई का कई संगठनों ने विरोध किया। मेट्रो प्रोजेक्ट में 4 लाख पेड़ कटने की आशंका है। आरे के जंगल में 76 प्रजाति के पक्षियों पर भी संकट है। लता मंगेशकर सहित बॉलीवुड हस्तियों ने किया है जंगल काटने का विरोध। तो लता मंगेशकर सहित कई ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने जंगल काटने का विरोध किया है। तो सवाल यही उठ रहा है कि क्या मुंबई में जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, वहां विकास वर्सेस पर्यावरण की स्थिति बन गई है। मुंबई में मेट्रो कारशेड का निर्माण फिर चर्चा में। शिंदे सरकार आरे कॉलोनी के भीतर ही कारशेड बनाएगी, जबकि पूर्ववर्ती उद्धव सरकार ने बदला था ये प्रोजेक्ट। आरे मेट्रो प्रोजेक्ट में पेड़ों की कटाई का कई संगठनों ने विरोध किया था। मेट्रो प्रोजेक्ट में 4 लाख पेड़ कटने की आशंका है। आरे के जंगल में 76 प्रजाति के पक्षियों पर भी संकट। लता मंगेशकर सहित तो बॉलीवुड की कई हस्तियों ने जंगल काटने का विरोध किया। चलिए बात करते हैं भाजपा के मिशन दक्षिण की। ईसाई समुदाय में पेट बनाने की योजना। ईसाई मंत्री और विधायकों को केरल, तमिलनाडु ले जा रही है भाजपा। इन दोनों राज्यों में ईसाई समुदाय के पास जाएगी पार्टी और विचार विमर्श कर पीएम मोदी का रखेंगे पक्ष। गोवा के ईसाई विधायक मंत्री भी संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो गोवा के ईसाई मंत्री भी संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। और जिस तरीके से बीजेपी की ओर से तैयारियां की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है, तो यही कहा जा रहा है कि एक और तो बीजेपी का मिशन दक्षिण है ही, साथ ही ईसाई समुदाय में भी पेट बनाने की योजना है। ईसाई मंत्री और विधायकों को केरल, तमिलनाडु ले जा रही है भाजपा। इन दोनों राज्यों में ईसाई समुदाय के पास पार्टी जाएगी और विचार विमर्श कर पीएम मोदी का पक्ष रखा जाएगा। गोवा के ईसाई विधायक मंत्री भी संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे।
जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे का कल निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिंजो आबे की याद में लिखा ब्लॉग। पीएम ने इस ब्लॉग को शीर्षक दिया माय फ्रेंड आबे सान। लिखा, आपने अपना प्रिय दोस्त खो दिया, अपना प्रिय दोस्त खो दिया। शिंजो आबे न सिर्फ जापान के एक महान विभूति थे बल्कि विशाल व्यक्तित्व के धनी एक वैश्विक राजनेता थे। जापान के साथ पूरी दुनिया ने बहुत बड़ा विजनरी लीडर खो दिया। आज उनके साथ बिताया हर पल मुझे याद आ रहा है, चाहे वो क्योटो में तोजी टेम्पल का दर्शन हो, शिंकासेन में ट्रेन यात्रा हो, साबरमती आश्रम यात्रा, काशी में गंगा आरती में शामिल हो। हमारी यादगार मुलाकातों की ये लिस्ट बहुत लंबी है। वे पीएम नहीं थे तब भी हमारा व्यक्तिगत जुड़ाव हमेशा की तरह मजबूत बना रहा। आबे के पास हमेशा नए आइडियाज का भंडार होता था। उनकी बातों ने मुझे गुजरात के आर्थिक विकास को लेकर नई सोच के लिए प्रेरित किया। भारत जापान संबंधों को मजबूती देने में उन्होंने ऐतिहासिक योगदान दिया। आज वे भले ही हमारे बीच में ना हो लेकिन उनकी विरासत हमें हमेशा उनकी याद दिलाती है। भारत के लोगों की तरफ से जापान के लोगों परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। कल भी जब प्रधानमंत्री ने इस हमले के बारे में ट्वीट किया था तब भी उन्होंने कहा था कि मन बहुत ज़्यादा व्यथित है, परेशान है और प्रार्थना भी उन्होंने की थी कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो। पर शायद होने को कुछ और ही मंजूर था और खबर ये आई कि जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे का निधन। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिंजो आबे की याद में एक ब्लॉग भी लिखा। पीएम ने इस ब्लॉग को शीर्षक दिया माय फ्रेंड आबे सान और लिखा, अपना प्रिय दोस्त खो दिया। शिंजो आबे न सिर्फ जापान के एक महान विभूति थे बल्कि विशाल व्यक्तित्व के धनी एक वैश्विक राजनेता भी थे। जापान के साथ पूरी दुनिया ने बहुत बड़ा विजनरी लीडर खो दिया। आज उनके साथ बिताया हर पल मुझे याद आ रहा है, चाहे वो क्योटो में तोजी टेम्पल के दर्शन हो, शिंकासेन में ट्रेन यात्रा हो, साबरमती आश्रम यात्रा, काशी में गंगा आरती में शामिल होना। हमारी यादगार मुलाकातों की लिस्ट बहुत लंबी है। वे पीएम नहीं थे तब भी हमारा व्यक्तिगत जुड़ाव हमेशा की तरह मजबूत बना रहा। आबे के पास हमेशा नए आइडियाज का भंडार होता था। उनकी बातों ने मुझे गुजरात के आर्थिक विकास को लेकर नई सोच के लिए प्रेरित किया। भारत जापान संबंधों को मजबूती देने में उन्होंने ऐतिहासिक योगदान दिया। आज वे भले ही हमारे बीच में ना हो लेकिन उनकी विरासत हमें हमेशा उनकी याद दिलाएगी। भारत के लोगों की तरफ से जापान के लोगों परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं।